हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि टैली ईआरपी 9 में सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड का क्या डिफरेंस होता है। तो सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड की बात करेंगे, तो चलिए आइए टैली ईआरपी 9 को स्टार्ट करता हूं और यहां से टैली ईआरपी 9 मैं ओपन कर लेता हूं। ये गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई पड़ रही है। अब सिंगल एंट्री मोड होता क्या है और डबल एंट्री मोड होता क्या है उसके बारे में बता देता हूं आपको। देखिए, जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हैं तो देखिए ये तो पेमेंट वाउचर है, हम कोई या फिर आप रिसिप्ट वाउचर में जाइए या फिर आप पेमेंट में तो जा ही चुके हैं, रिसिप्ट वाउचर में भी ऐसे ही दिखाई पड़ेगा आपको और पेमेंट और कंट्रा में भी ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। तो ये जो मोड है वो सिंगल एंट्री मोड होता है। क्या होता है? सिंगल एंट्री मोड। अब इसको डबल एंट्री मोड कैसे बनाते हैं और क्या फायदा होता है? सिंगल एंट्री मोड में चूंकि हमें आदत होती है डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करने की, इस वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है और वो हमें डिस्प्ले नहीं होता। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, F12 कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा तो ये जो है विंडो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर दिया हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कंट्रा वाउचर, तो ये यस है। तो हमें इसे डबल एंट्री मोड करना है तो इसको नो कर दीजिए, एन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से और एंटर कर दीजिए। फिर आइए यहाँ पर दिया हुआ यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू पब्लिक बाई ड्यूरिंग एंट्री, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन को चालू कर देंगे तो यहाँ से ये चालू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप नेगेटिव कैश वाले बैलेंस जो बताया आपको उसको भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, वाई प्रेस कीजिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और आप अगर नहीं एक्टिवेट करना चाहते तो एन रहने दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि हमें नेगेटिव कैश के बैलेंस से ये वार्न करे। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हुए हम इसको कर सकते हैं बहुत ही इजीली और यहाँ से आकर के लास्ट तक एक्सेप्ट करा लेंगे इसको और ये हमारा डबल एंट्री मोड चालू हो जाएगा। तो इसे हम डबल एंट्री मोड कहते हैं और इसके पहले जो हमने देखा उसे सिंगल एंट्री मोड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।